अभी के लिए। और सबसे आपने देखी? हाँ मैंने, आई सॉ द फिल्म, इट इज फैंटास्टिक। थैंक यू। मुझे मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अश्विनी तिवारी की फिल्म ज़्यादा है किसी बनिस्बत किसी स्टार की, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जहाँ तक मैं कंगना को जानता हूँ एज एन एक्टर एज एन इंडिविजुअल, वो एक अलग शख्सियत है, और अश्विनी अय्यर तिवारी बिल्कुल हम्बल सॉफ्ट स्पोकन, कुछ बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो भी रहा है, कहीं कहीं पैनिक का माहौल भी है तो वहाँ पर भी बहुत प्यार से मोहब्बत से बोले। ये दो मुख्तलिफ लोग एक साथ कैसे ऑन हो गए? तो ये या तो थैंक यू सो मच, आप जो बोल रहे हो कि कहाँ तो अश्विनी की फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलर्स का कुछ ना कुछ हाथ होता है हमेशा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं कैमरा लुक नहीं है, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा, पक्का? या तुम इधर देख के बात करो, क्योंकि फुल फुल ऐसा ऑफ सेंटर नहीं होता है। हाँ थैंक यू सो मच, आपको पिक्चर अच्छी लगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने एकदम एक चीज़ जो बोली कि हमेशा एक स्टोरी टेलर का हाथ होता है किधर ना किधर आपके स्टोरी टेलिंग में जो पिक्चर बनती है, मेरा एक मानना है ये है कि जो आप हो जैसे आप हो वो आप वैसी स्टोरीज बताएंगे, और किधर ना किधर आप क्रिएटिवली उसको बताते हो, कभी कभी वो उभर के आता है, कभी कभी वो दब जाता है कहाँ। सो बट मैं थैंक यू, और मैं अपने एक्टर्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन सब लोगों ने मेरी विजन को एकदम ऐसे बोलते हैं ना ऐसा हक कर दिया मेरे विजन को, और किसी ने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया ये क्यों ऐसा क्यों। और ये फैमिली फिल्म है, ये सबकी कहानी है, तो सबकी कहानी एक की कहानी नहीं हो सकती, तो अगर सबकी कहानी है तो फिर वो ऑडियंस को भी उनकी कहानी की तरह पहुंचनी चाहिए। अगर वो एक तरीके से एक किसी एक की कहानी की तरह पहुंचे, जो आपकी क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगी कि कंगना और मैं बहुत अलग ऐसे थिंकिंग एस्पेक्ट्स है हमारे, मुझे नहीं लगता कि थिंकिंग एस्पेक्ट्स हमारे अलग है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनालिटी टाइप्स अलग है, पर हमारी जो थिंकिंग विचार है जो एकदम हम ट्रूथफुल है, हम जो है मन में वो बोल देते हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं वो बहुत अलग है। पर जया के लिए खासकर मुझे ऐसा लगा कि देर इज़ नो वन एल्स बेटर दैन कंगना हु कैन कम एंड प्ले जयाज रोल एज एफिशेंटली एज शी इज़ डन इन द फिल्म। और मैं हमेशा से ये दो साल से मैं ये बोल रही थी, और अभी आई थिंक द मोर एंड मोर पीपल आर सीइंग द फिल्म, उनको ऐसा लग रहा है हाँ ये करेक्ट है। क्यों ये करेक्ट है? क्योंकि जो लोग जीते हैं, जो लोग एक्सेसिव इमोशनल होते हैं चीज़ों से, जो बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और जो ह्यूमैनिटी के लिए बोलना चाहते हैं, और जो बहुत ही अपने दिमाग में कुछ रखते नहीं और जो बोल देते हैं ना, वो हमेशा उनका एक साइड ऐसा रहेगा जहाँ पे एक सॉफ्ट साइड रहेगा, वो सॉफ्ट साइड किसी ने देखी नहीं रहेगी। और मुझे लग रहा है कि कंगना का ये सॉफ्ट साइड आया है पंगा में, और जिस तरह से जहाँ पे वो रही है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही है, और उसने अपनी मम्मी को देखा, उसने अपनी मम्मी को ये सब जो उसके दिमाग में है वो सब करते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं मे बी शी वॉज द वॉइस ऑफ दैट वुमन कॉल जया, जो मेरे दिमाग में भी था एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर, पर जब तक वो एक एक्टर के थ्रू से आता नहीं है, वो जो कनेक्शन होता है डायरेक्टर एक्टर का, एक्टर इज़ द माउथ पीस ऑफ द डायरेक्टर, और वो एकदम ऐसे सही माउथ पीस, एक इमोशनल माउथ पीस बन के आई वो। मुझे ऐसा भी लगता है, इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग अलोन, यू नो, कि जो केमिस्ट्री अश्विनी और कंगना की हो गई है इस फिल्म के दौरान, दोस्ती मोहब्बत लिहाज, वो बहुत कम देखने को मिला। इनफैक्ट यू नो ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस शी सेड कि कंगना का शादी को लेकर नजरिया बदला आप दोनों को देखकर, आप और मुझे उस पर क्या कहना चाहेंगी? इतना इतना इंस्पायर कर रही हैं आप, मतलब एक सोच आप खुद इमेजिन करिए कि कंगना ऐसी शख्सियत कहती है कि भाई मेरा शादी को लेकर नज़रिया बदला है, कि हस्बैंड ऐसे भी होते हैं या कपल्स ऐसे भी ज़िंदगी जीते हैं नॉर्मल, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, समझने वाले। और उनसे मुझे एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि आदमी जैसा भी हो आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोग हमेशा ये बोलेंगे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुमने ये किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम वैसे क्यों करती हो, तो हमेशा एक इंसान अपने सामने एक बोलते हैं ना शील्ड, वो बना के रखता है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि आप उनके उनके लाइफ में गुजरो, उनके लाइफ में एंटर भी करो, और वो हर इंसान को डाउट में देखेंगे।
डाउट में इसके लिए देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी देर आर सो मेनी पीपल हु आर पाउंसिंग ऑन हर. मेरा कंगना का रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ ही नहीं. मेरा कंगना का रिश्ता, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट एज एन एक्टर, और मुझे ऐसा लगा कि कहाँ ना कहाँ, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइड तो है ही इसका जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते. क्यों? क्यों वो इसके लिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि लोग उसको, अगर आपको रोज़ कोई ना कोई रोज़ सुबह सुबह मतलब फ़ोन पे, ट्विटर पे, ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ बाउंस करेंगे तो आप क्या करोगे? एक कॉल सेंटर आपको 10 बार फ़ोन करेगा, आप 11वीं बार क्या करोगे? फ़ोन बंद कर दोगे ना, या फ़ोन उठा के चिल्ला के बोलोगे यार यार क्यों क्यों फ़ोन कर रहे हो, वापस वापस मुझे नहीं नहीं चाहिए लोन. यही है. और ह्यूमन हम क्यों बोलते हैं कि हर इंसान को अलग रीत से देखना चाहिए. उनके लाइफ में क्या हो रहा है आप नहीं जानते हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो. आप कौन होते हो उनको जज करने के लिए? और मैं तो खासकर कौन होती हूँ उनको जज करने के लिए? मैं तो, मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, मैंने बुक्स क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, मैंने क्या मीडिया में देखी है, पर उसके अलावा तो मुझे नहीं पता ना. मुझे नहीं पता कि वो भी रोई रहेगी, वो भी इंसान है, उसको भी थोड़े इमोशंस रहेंगे. जब ये सब चीज़ें और मणिकर्णिका के टाइम पे जब हो रही थी तब मैं ऑलमोस्ट उसके साथ शूट करने वाली थी. अब ये किसी को पता है कि हम दोनों की बीच में क्या बात हुई है या क्या उसको क्या लग रहा था? इंसान को आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंसान है? तो फॉर मी इट इज़ दैट इट इज़ अबाउट ट्रस्ट एंड, और मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, और ये मेरा रिलेशनशिप है इनके साथ. और एक चीज़ में हम बहुत सिमिलर है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलती है. मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली जिस दिन मैंने अनाउंस किया, अरे बाप रे अभी तो बस पता नहीं पहाड़ी टूटने वाला है, अभी तो देखो स्क्रिप्ट भी चली गई, डायरेक्शन भी चला गया, सब कुछ चला जाएगा. क्यों क्यों होगा ऐसे? ये मेरा और उनका रिश्ता है और हम दोनों को पता है कि हम इसको कैसे हम इवॉल्व करेंगे रिश्ते के साथ. और एक चीज़ हमको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब दो इंटेलिजेंट लोग काम करते हैं ना तो दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है. अगर आप ईगो लेके साथ में घूमेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा. दो स्ट्रॉन्ग हेड ह्यूमन बींग्स कभी साथ में इसके लिए नहीं रह पाते क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. ईगो को थोड़ा साइड पे रख के अगर आप दोनों एक दूसरे को समझो और अगर उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ उसने कुछ गलत बोला ही नहीं, इसमें क्या हुआ, अगर आप वो कंडीशन के साथ गए और जबकि वो भी उसी के साथ आ रही थी कि इनको अपना काम पता है और ये अच्छी तरह से अपना काम कर रही है, तो मैं क्यों इसके काम में इंटरफेयर करूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है. आई थिंक हम सब अपने आपके जो सबॉर्डिनेट है, अगर आप 10 बार एक चीज़ कर बोलेंगे करने के लिए और वो नहीं करेंगे तो आखिर में आप ही कर लेते हो ना वो चीज़ को. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ये फिल्म को बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जबकि यू नो एक अलग कमर्शियल बड़ी फिल्म सामने थी रिलीज सामने रिलीज हुई है. अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है शनि जी, और कितनी हौसला अफजाई हुई है जब इस तरह का रिस्पॉन्स फिल्म को मिलता है? कमर्शियली भी बहुत कामयाब हो रही है तो मुझे लग रहा है कि और लोगों को देखना चाहिए. स्लोली स्लोली बढ़ रही है आगे, पर ऐसी फिल्में बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये आर्काइव्स के लिए होती है ये फिल्में. और आप कभी नहीं पूछोगे कि इसकी जब आप कोई भी पिक्चर पहले के देखते हैं तो आप हमेशा ये देख के बोलते हो कि यार कितनी अच्छी पिक्चर थी, कितना अच्छा एक्टिंग था, या वो डायरेक्टर ने वो टाइम पर लिरिसिस्ट ने क्या किया, कैसे लिखे थे गाने. आप ये नहीं पूछते हो कि वो बॉक्स ऑफिस में कितना नंबर बना, किसी को तो याद भी नहीं है बॉक्स ऑफिस में क्या नंबर्स था. तो हमको और ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जहाँ पे हम भूल जाए, भले वो 100 करोड़ बना या 200 करोड़ बनो, पर आपको ये याद रहना चाहिए कि स्टोरी कितनी अच्छी थी. शुरुआत से लेकर अब तक औरतों का बड़ा ध्यान रखते हैं आप, यू नो वुमेन सेंट्रिक फिल्में बना. नहीं वुमेन सेंट्रिक मत बोलो ये फिल्मों को, मैं मतलब इट्स मोर ऑफ अ यू नो अ फैमिली. ये वुमेन सेंट्रिक है ही नहीं क्योंकि अगर ये वुमेन सेंट्रिक होता तो फिर एक 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 आदमी क्यों जाके वापस आएंगे और बोलेंगे कि यार हम लोग को आज तो, मेरे को एक ट्विटर पे एक बहुत अच्छी मैसेज आई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी आज मैं बीवी को पंगा दिखाने लेकर गया, लगता है रात को रोटी मुझे ही बनानी पड़ेगी.
वो बहुत ही अच्छा था लगता है, रात को मुझे ही रोटी बनानी पड़ेगी, पर पंगा जैसे और कई फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि हम जैसे आदमी को इतना तो महसूस और एहसास हो जाना चाहिए कि कहाँ थी अब तक मेरी बीवी। अच्छा, ये एहसास दिलाने का एहसास भी बहुत हुआ है हाँ लोगों जी, तो को। दिस लोगों सम्स इट ऑल, जो उन्होंने मेरे को ट्विटर पे लिखा वो कोई मतलब मीडिया की नहीं है, कोई नहीं है, वो एक आम इंसान है ऑडियंस जिन्होंने जाके एक थिएटर में देखी पिक्चर और हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखी है उन्होंने। अश्विनी जी, ये न्यूएंसेस कहाँ से? बहुत, आप कपड़ों की डिटेलिंग देख लीजिए, आप घर की डिटेलिंग देखिए, इतनी डिटेलिंग में आपको लगेगा कि ये मध्य प्रदेश है, आपको लगेगा ये कपड़े, ये शलवार कमीज ऐसे ही होगा, आपको लगेगा कि ये स्वेटर हाफ स्वेटर या ऐसे ही होगा, ये डिटेलिंग पे किसने, इट लुक्स इन द सो रियल स्पेस। मुझे एक ओसीडी है प्रॉब्लम, मैं थोड़ी मेटिकुलस और ऑब्सेसिव हूँ ये सब चीज़ों पे, और मेरा आर्ट बैकग्राउंड है तो आर्टिस्ट हूँ मैं, मैंने कमर्शियल आर्ट्स किया हुआ है तो वो अपने आप आ जाता है। और आई थिंक एज अ वुमेन तो थोड़े कपड़े वपड़े से ज़्यादा ध्यान तो हो ही जाता है कि आप कैसे कलर्स पहनेंगे, क्या होगा, क्योंकि मेरे को जया का दोनों साइड दिखाना था, कि एक साइड पे मुझे दिखाना था कि वो एक आम जैसे सभी औरतें होती हैं उनको भी सब थोड़ा सजना डजना अच्छा लगता है, बट एक स्पोर्ट साइड भी है उसका, तो जब आप वो देखते हो तो आपको लगता है यार ये वही जया थी जो एकदम ऐसे खाना बना रही हो और पराठे दे रही हो, बोल रही है जूते खाएगा कि नहीं खाएगा। तो ये डिटेलिंग अच्छा है क्योंकि आप जिस जगह के बारे में स्टोरी बता रहे हो आपको ऑडियंसेस को, मेरा एक ही मानना है कि जो भी मैं फिल्में बनाऊँ ऑडियंसेस उसको सिर्फ देखे नहीं, उसको फील भी करे, तो वे आफ्टर द फिल्म देखने के बाद भी अगर वो सोचे यार ये वो कितना अच्छा था, वो तो ऐसे ही होता है ना, शाम के टाइम पे अजान वैसे ही होता है, तो वो और वो एक्चुअल अजान है, वो मैंने भोपाल से मंगाया मेरे लाइन प्रोड्यूसर से, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं डाला, वो टाइम पे वो जो स्क्रीन टाइम है वही टाइम का शाम का अजान मैं लेके आई हूँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें होती है। और वो आपको फिर आपको ऐसा लगता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये कैसे हुआ, क्योंकि ये तो और अगर आप भोपाल के एक स्लीपी टाउन में एक रेलवे कॉलोनी दिखा रहे हो और फिर आप बाहर एकदम ऐसे हुदम मचा रहे हो, हमारे देश की आई थिंक 70% आबादी आबादी गवर्नमेंट जॉब्स करती हैं, वो सब ऐसे लोकेलिटीज़ और ऐसे ऐसे सोसाइटीज़ और ऐसे कॉलोनीज़ में रहती हैं, तो जब वो कॉलोनीज़ में रहते हैं तो वो वाला फीलिंग वो अलग ही है, वो एक अलग दुनिया है, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको पता है कि ये अलग दुनिया है, फिर बाहर जाते तो पूरी दुनिया अलग हो जाती है उनकी। आपकी, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ, आपकी और कंगना की एक अलग तरह की, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, इससे पहले भी कंगना ने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन जो आपकी और उनकी बॉन्डिंग है और जो अब तक मीडिया में या हम लोगों को समझ में आता है, जो दिखता है, शायद ही किसी से कंगना की इतनी इतना जेल उन्होंने किसी के साथ किया होगा। कंगना की अपनी खुद की निजी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, उनके उनकी जद्दोजहद से लेकर आज एक सुपरस्टार, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने बलबूते पे एक फिल्म को चलाने का दम रखती है, मानता रखती है, क्या आपको लगता है कि उनके जीवन पे बायोपिक बनना चाहिए? एंड दैट हैज टू बी रिलेटेड बाय अश्विनी अय्यर ओ थिंक। ऑफ कोर्स मैं करूँगी, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अगर उसको उनको चाहिए तो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ और बहुत कुछ बाकी है उनके लाइफ में, शादी वादी भी हो जाए तो उसके बाद मैं बायोपिक बनाऊँगी, तो तब तक हम रुक जाते हैं, पर जैसे तलाई भी है उनका जो है उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि वो बीच में बनाने वाली थी अपनी खुद की जो स्टोरी है वो बनाने वाली, वो खुद डायरेक्ट करने वाली थी, पर जब तलाई भी आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक्साइटमेंट था कि एक एक्ट्रेस की लाइफ ऑफ जो पॉलिटिशियन बनती है तो उसमें वो और एक्साइट हो गई, पर अगर मुझे एक मौका मिला कंगना वर्सेस कंगना जैसे कुछ करने का तो मैं 100% करूँगी, कंगना वर्सेस गुड कंगना अच्छा आइडिया है ना। आइडिया। अब क्या ध्यान में रखा जाएगा वर्ल्ड मेकिंग अ बायोपिक ऑन कंगना? क्या उतनी आजादी उतनी बेबाकी से पूरी जिंदगी कही जाएगी? वो जितनी जितनी ट्रूथफुली अपनी पूरी ज़िंदगी बताती है लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम होगा अपना बायोपिक बोलने में, है ना कंगना? पता नहीं, मिल के बाद पूछती हूँ कल उसको। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए? और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर फ्रैंकली, और जितने 2 साल हो गए अभी मुझे, मैं उसको बिल्कुल जानती नहीं थी पंगा के पहले, मैं उसको मैंने उनको मैं भी कोई स्क्रीनिंग्स में मिली रहूँगी मैं उनको, उसके बाद इट जस्ट हैपेंड, और मैंने कुछ ऐसा हम दोनों ने ऐसे कुछ ऐसा ये नहीं किया कि ऐसे करेंगे ये अच्छा ही होना चाहिए, इसका भी मैथमेटिक्स होगा, रिलेशनशिप्स मैथमेटिक्स में नहीं बनता, कोई स्ट्रैटेजी में नहीं बनता,
ये एक बोलते हैं ना कि इट हैड टू हैपन, वी वर मेंट टू बी इन ईच अदर्स लाइफ. और मुझे लग रहा है कि ये जर्नी में हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही इंकरेजमेंट दिया है बहुत सारी चीज़ों पे. जैसे कि उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि मैं तो मीडिया से दूर ही भागती हूँ, वो जितना मीडिया के आगे रहती है मैं उतना मीडिया से दूर भागती हूँ. और वो तो बोलती है कि यार लोगों तो पहचानने दो लोगों को कि तुम कितनी अच्छी डायरेक्ट करती हो, तुम आती ही नहीं हो कभी. ये सब चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत एक फ्रेंड ही एक दूसरे फ्रेंड को इंकरेज कर सकते हैं. आलिया के साथ भी एक फिल्म करने वाली थी आप, उसका कुछ बोलना ऐसा होगा? कुछ नहीं है, मैं उसको मिलने गई थी, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं उसके लिए हम मिलने गए थे, बट बाकी ऐसा कुछ है नहीं. बट हाँ, अगर कुछ मिलने कुछ हुआ तो ज़रूर बताएंगे, हम दोनों ही एक्साइटेड होंगे एक दूसरे को बताने के लिए.